तो ये सेटअप आप भी कर सकते हैं दोस्तों। ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती है दोस्तों, हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, इससे क्या होता है कि आपको इसको नॉलेज मिलती है आपको, और इससे आप अपने शेड में भी ये चीज़ लगा करके अच्छा बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए अंदर की तरफ से भी दिखाता हूँ। तो अपनी वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों, और वही चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन सिंह रावत आपका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे खुशी पोल्ट्री ब्लॉग्स में। दोस्तों आज बर्ड्स का 28वां दिन है, और ये 28 दिन के बर्ड्स हैं अपने, और आज जो है दोस्तों हम नया ऑल्टरनेशन करने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो छोटा वाला शेड है दोस्तों, उसके अंदर जो उधर से गर्म हवा आ रही है, तो उसके लिए हम जो है वो टाट पट्टी लेके आए हैं अभी, वो जो है अभी लगाएंगे। उसको कैसे लगाएंगे, क्या करना है, वो सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा अभी। अभी आप मेरे बड़े वाले शेड में हो दोस्तों, और देखिए बड़े वाले शेड में बर्ड्स इस प्रकार हैं। तो इसमें बॉडी वेट बहुत ही अच्छा है अभी, फर्स्ट क्लास। इसका कल जो है 28 दिन का फाइनली बॉडी वेट करेंगे दोस्तों, क्योंकि आज 28वां दिन है, तो कल 29वें दिन पर इसका बॉडी वेट करेंगे। आप एक बार दोस्तों कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि एवरेज क्या आना चाहिए बड़े वाले शेड का, क्योंकि अभी जो है दोस्तों दो तीन दिन में जो है बर्ड्स ने बहुत ही अच्छा ग्रोथ किया है, क्योंकि इसमें अभी फ़िलहाल की कंडीशन में साउंड बिल्कुल ख़त्म हो चुका है छोटे वाले शेड में और शेड में। तो अभी साउंड नहीं होने के कारण दोस्तों फीड अच्छा ले रहा है बर्ड्स, और बॉडी वेट भी जो है अच्छे से गेन कर रहा है, देखिए इस प्रकार है, ठीक है ना। तो अभी हम हल्के हाथ से जो है बर्ड्स को डिस्टर्ब करते हैं, और ऊपर स्प्रिंकलर चल रहे हैं दोस्तों, अभी आपको बाहर जाके दिखाऊंगा मैं। और बोरी जो हम लगाएंगे दोस्तों, उस प्रकार लगाएंगे, ड्रिप नहीं लगाएंगे उसमें, और उसको चद्दर से टच होते हुए उसको लगाएंगे, ताकि क्या है जो टिन शेड पे जो पानी चल रहा है वही इसके अंदर गिरेगा, ताकि वो ठंडी ठंडी अंदर लहराए। तो वो किस प्रकार लगाना है वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, ताकि क्या है कि अपन को अलग से उसके अंदर जो है मोटर वगैरह लगाने की ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं पड़े, ठीक है ना। अभी फर्स्ट क्लास है बर्ड्स, मॉडलिटी जो है दोस्तों वही 15-16 मॉडलिटी जो है शो कर रहा है बर्ड्स, लेकिन वो उस वाले शेड में जो वीक बर्ड्स है उनकी शो कर रहा है। तो कई दफ़े इसमें भी मॉडलिटी हो जाती है दोस्तों, क्योंकि आज जैसे 4-5 मॉडलिटी हुई है, तो उसमें भी जैसे बच्चे पड़े हैं, देखिए ऐसे इसमें एसआईटीज नज़र आ रही है, ठीक है ना। तो ऐसे बच्चे कुछ एक हैं जिनमें अभी दिक्कत है, ठीक है ना दोस्तों। लेकिन अभी बाकी बर्ड्स जो है अच्छी कंडीशन में हैं, और अब आपको जो है मैं बाहर का लोकेशन दिखाऊंगा, उसके बाद में जो है दोस्तों मैं छोटे वाले शेड में लेके चलता हूँ आपको, और फिर जो है वो बोरी लगाएंगे। किस प्रकार लगानी है वो आप कम्प्लीटली वीडियो में बने रहे दोस्तों, जो आपको पता चले कि हम किस प्रकार जो है बोरी को लगा रहे हैं। चलिए दोस्तों, ये अपना गोडाउन है, फीड इतना ही बचा, अभी और आएगा फीड। और ये बाहर का माहौल है, देखिए दोस्तों छोटे वाले शेड पे जो है हमने स्प्रिंकलर चल रहे हैं, दिख रहे होंगे आपको, एक बार जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए पूरा गीला है, इधर भी इसके स्प्रिंकलर चल रहे हैं। तो इसको चालू रखते हैं हम, और ये देखिए साइड में पानी गिर रहा है ना। तो ये जो पानी गिर रहा है वेस्टेज, इसी जगह हम बोरी लगा देंगे, ताकि क्या है कि वो बोरी की जो है ठंडक है जो अंदर आएगी। अभी चलिए आपको छोटे वाले शेड में लेके चलता हूँ दोस्तों। ये बाहर का लुक है दोस्तों, यहाँ जो पानी गिरता है उसकी वजह से ये धोबड़ी जो है बिल्कुल एकदम हरी हरी घास हो रखी है। और दिन में जो है अपन इस पेड़ के नीचे है जो अपनी खाट लगा रखी है, वह मस्त काम करते हैं। और बाहर की तरफ भी आपको दिखाओ दोस्तों, हमने जो है पशु पक्षियों के लिए जो है एक पानी का जुगाड़ कर रखा है। ये देखिए, ये मैंने आपको पहले कभी वीडियो में नहीं बताया होगा शायद, ये खेली बना रखी है ताकि जानवर पानी, जब भी स्प्रिंकलर चलते रहते दोस्तों तो इतना पानी इसमें कंपलसरी चलता रहता है, ठीक है ना। इधर एक छोटा सा हमने वो है ये खड्डा बना रखा, ताकि इसमें जो है छोटे पक्षी है जो वो पानी पी लेते हैं, और मस्त। ये धर्म का काम है दोस्तों, सबको करना चाहिए। अगर जिस जिसके फार्म है वो बाहर एक है ना ऐसा जुगाड़ जरूर बनाए, इसका बहुत जो है बेनिफिट मिलता है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आपका ज़्यादा समय नहीं ख़राब करूं, और ये जो है मैं लेके आया हूं अभी, ये 6 फीट तो चौड़ी है और 70 फीट लेंथ लेके आया हूं, क्योंकि 10 फीट इधर हमारे जो आवश्यकता नहीं है तो हम इधर नहीं लगाएंगे। ये अपना छोटा वाला शेड है, इस प्रकार बैठे हैं बर्ड्स, देखिए। अब जो यहाँ तक जो हिस्सा है यहाँ पे ये लगा हुआ है, तो इसके हम इधर इसको छोड़ करके यहाँ से चालू करेंगे, तो 70 फुट लेंथ में पूरा लगा देंगे, चद्दर से टच होते हुए लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो अभी लगाने का पूरा तरीका बताएंगे, अभी छोटे वाले फार्म में हैं हम, और इसके बर्ड्स देखिए अभी जहाँ पे इधर जो गर्म हवा आ रही है दोस्तों, इधर बर्ड्स से कम है और इस साइड में बर्ड्स ज़्यादा है, देखिए ये इधर बैठ गए। तो अगर हम जैसे ही बोरी लगाएंगे ना, आप यकीन करिएगा सारे बर्ड्स इधर आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ मैं खुद जब यहाँ आया तो मुझे महसूस हुआ कि यार गर्म हवा चालू हो गई है, पहले नहीं थी ये चीज़ें,
उस वाले शेड में नहीं है अभी। तो यहाँ जो हम लगाएंगे दोस्तों उसका बेनिफिट उस वाले शेड तक जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही है लेकिन गर्म चल रही है। तो इधर जो है पूरा एरिया खाली होने के कारण जो है ये गर्म हवा आ रही है, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम अभी चिल्ड कर देंगे, एकदम एसी बना देंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप कंप्लीट वीडियो में बना रहे दोस्तों, किस प्रकार लगाते हैं आपको हम दिखाते हैं। तो चलिए, तो देखिए दोस्तों ये बांधने की प्रक्रिया हमने चालू कर दी है। यहाँ यहाँ तक बंधी है ये, ऊपर से देखिए इस प्रकार बांधी हमने, और मैं नीचे से पकड़ा रहा हूँ, ऊपर मेरी लुगाई बांध रही है वो उधर। तो ये पूरा बांध दिया इसको, और लेबर का थोड़ा अभाव होने के कारण इस लुगाई को भी काम में ले रहा हूँ। और दोस्तों है ना, ये बांधने के बाद स्प्रिंकलर चलाएंगे, फिर देखते हैं इसके अंदर क्या हिसाब रहता है। बिल्कुल चादर की जो कोर है ना दोस्तों, हल्की सी दबा दी वैसे, ऊपर से टीन शर्ट का जो पानी आएगा दोस्तों वो इसके ऊपर आएगा, और फिर ये पूरी गीली हो जाएगी। एक्चुअल में क्या, पहले ड्रिप लगाते थे, ड्रिप लगाने के बाद में जाली के इसके बांध देते थे, तो उसमें दो प्रकार का नुकसान होता था। एक तो जाली जो है वो जल्दी ख़राब होती थी जंग वगैरह लग करके, दूसरा दोस्तों क्या है कि ये ऊपर से जो वो ड्रिप जो लगाते थे ना उसको, ये वो टालुड़ी आती है ना, वो टालुड़ी काट देती थी, बार बार जगह जगह छेद कर देती, बहुत ज़्यादा परेशानी आती थी। तो हमने ये नया तरीका निकाला, गई साल भी हमने इसी प्रकार लगाई थी बड़े वाले शेड में, और इस प्रकार भी आपकी बार भी जो है दोस्तों इस प्रकार हमने जुगाड़ कर दिया। इधर भी हमने नीम के पेड़ लगा रखे हैं, अभी बड़े होने में टाइम लगेगा, बड़े होने के बाद में तो काफ़ी अच्छी छाएँ यहाँ हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो अभी यहाँ तक तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक तो हमने ये लगा दिया है, इसको जो है अगर दिक्कत आएगी थोड़ा और ऊपर कर देंगे, बाकी ऊपर की तरफ जो है इसको कर दिया। अंदर देखिए बिल्कुल फर्स्ट क्लास मामला है। तो अब इसको जो है अपन पानी चालू करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि क्या कंडीशन है। तो देखिए दोस्तों फाइनली हमारा एसी चालू हो गया है, और देखिए कितना शानदार सा जो है हमारा लुकिंग, और इतना ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है यार यहाँ पे, जैसे कोई कूलर चल रहा है। तो बच्चे फर्स्ट क्लास, इसमें देखिए आप एक चीज़ नोट करेंगे, एक भी फ़ैन नहीं चल रहा है, लेकिन इतना गज़ब का ठंडा हो रहा है ये। तो आप भी अगर लगाना चाहते हैं दोस्तों तो वो ड्रिप सिस्टम से, तो ये मेरे को बेटर लगा इसे। अगर ऊपर स्प्रिंकलर अगर आप चला रहे हो, अधिक पानी है तो, अगर पानी की शॉर्टेज जब तो आप नहीं कर सकते ये चीज़, अगर आपके पानी है फुल और आप स्प्रिंकलर अगर चलाते हैं दोस्तों, तो इसको टाट पट्टी को जो इस प्रकार आप लगाइए, इससे जो है पूरा चिल्ड हो जाएगा वाटर। अब इससे देखिए बेनिफिट, ये जाली भी नहीं गिर के साइड में गिर रहा है, जितना इसका मुंह आ रहा है वहाँ तक हमने जो है तिरपाल को कर दिया है, और बाकी जो है फर्स्ट क्लास की जितनी हवा आ रही है अंदर, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, बच्चा एकदम फर्स्ट क्लास से बैठा है, ठीक है ना। तो ये सेटअप पूरा तैयार कर दिया हमने, और पानी इस पर गिर रहा है, और पूरा गिर के ये पूरी जो है गीली हो गई है। मैं आपको बाहर की तरफ से जाके भी एक बार दिखाता हूँ, मैं सोचा एक बार अंदर की लुकिंग दिखा दूँ। हवा चलती है, इस नज़दीक आता तो तिरपाल के हट जाता है दोस्तों, जाली के नहीं हटता, तो जाली नहीं ख़राब होगी इससे, ये सबसे बढ़िया बेनिफिट है। और इस कोने को भी हमने नीचे से बांध दिया, और उस कोने को भी बांध दिया ताकि उड़े नहीं ऊपर, ठीक है ना, वो चीज़ भी करना ज़रूरी है। और इसका बर्ड्स भी दिखा देता हूँ दोस्तों, छोटे वाले शेड के बर्ड्स जो है इस प्रकार हो रहे हैं। इनमें थोड़ा साइजिंग है क्योंकि बच्चे छोटे बड़े इसके अंदर अभी हो रखे हैं, तो कोई नहीं, धीरे धीरे कवर हो जाएंगे सब। अभी काफ़ी हद तक तो इनका बॉडी वेट जो अच्छा हुआ है, और अब देखेंगे बाद में क्या है, ठीक है दोस्तों। अभी मैं आपको बाहर की तरफ से दिखाता हूँ, स्प्रिंकलर चल रहे हैं, ये देखिए बड़े वाले शेड का भी स्प्रिंकलर चल रहा है, उसके अभी हमने जाली वगैरह कुछ नहीं लगाई है। ये हमारी यहाँ पे भैंस बंधी हुई है, और ये पूरा ये हमारा झूला है दोस्तों, हम यहाँ पे झूला खाते हैं फ्री टाइम में, और ये बच्चा सा मैंने सेटअप तैयार कर रखा है, ठीक है दोस्तों। शाम के टाइम में इतना ठंडा ठंडा मस्त महसूस होता है। बाहर की तरफ ले के चलता हूँ आपको मैं। तो देखिए दोस्तों मैं बाहर की साइड लेके आ गया हूँ आपको, और इस प्रकार हमने बोरी को लगा दिया है देखिए तिरपाल के पास में, और ये पानी जो है इस प्रकार गिरता है जो पूरा अपने इसके ऊपर आ जाता है। तो इससे क्या है, पूरा गीला होकर ठंडक अंदर जा रही है, कूलर का काम कर रही है एक नंबर से। तो ये सेटअप आप भी कर सकते हो दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती है दोस्तों हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, इससे क्या होता है कि आपको इसको नॉलेज मिलती है आपको, और इससे आप अपने शेड में भी ये चीज़ लगा करके अच्छा बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए अंदर की तरफ से भी दिखाता हूँ। तो अपनी वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों, और वही चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आई होप दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आपको जो है पसंद आई होगी, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे दोस्तों तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय श्री राम।